Now see what we had studied today. One recap about it. Stomata, types of stomata, mulberry, जो है हमने types of tissues on the basis of location ये हम पढ़ रहे थे आज. epidermal tissues के बारे में पढ़ा जिसके parts होते हैं cuticle, stomata और hairs, इससे epidermis tissue बनते हैं. stomata के types के बारे में मैंने apple mulberry type, potato type, oat type और नेम्फिया टाइप. तो नेम्फिया टाइप स्टोमेटा जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और पोटैटो टाइप स्टोमेटा जो है मोस्ट कॉमन. उसके बाद हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यूज. ग्राउंड टिश्यूज जो है वो पैरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तीनों प्रकार के हैं. इपिडर्मल टिश्यूज और वास्कुलर टिश्यू को छोड़ के बाकी सभी टिश्यूज जो है हमारे क्या है, बाकी सभी टिश्यूज जो है इसे हम ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं. और इसके सेल जो है स्पॉन्जी होते हैं, इसे कहते हैं मिजोपी. तो इसमें दो टाइप्स है, पहला तो जो है पैलिसेड मिजोफिल और स्पॉन्जी मिजोफिल. पैलिसेड मिजोफिल के सेल कॉलम लाइक होते हैं, इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होते हैं और ये स्पेसेस इसमें छोटे होते हैं. स्पॉन्जी मिजोफिल में रेक्टेंगल सर्कुलर शेप होते हैं, ओवल शेप होते हैं और इसमें एयर स्पेसेस बड़े होते हैं. देन वास्कुलर टिश्यूज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने, अब इसको मैं रिवाइज नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा जाएगा. नाउ वी हैव टू वॉच सम वीडियोस. हाँ, अब रिकैप, क्विक रिकैप. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी हैड स्टडीड थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज, इपिडर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर टिश्यूज. इपिडर्मल टिश्यूज जो है वो सिंगल लेयर टिश्यूज होते हैं. इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट्स. प्लांट का बाहरी हिस्सा इपिडर्मल टिश्यूज से बनता है. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम इपिडर्मल टिश्यूज एंड वास्कुलर टिश्यूज, ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट दे आर कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यूज. वास्कुलर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल थ्रू द प्लांट्स. वास्कुलर टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. वास्कुलर बंडल्स में अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स होती है. इन द रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर्स इन अ डिफरेंट रेडाई. रेडियल सिमेट्री, रेडियल वास्कुलर बंडल्स जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में नहीं होते, अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट. और कोन जॉइंट जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही रेडियस में अरेंज होते हैं. इसके भी अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े हैं. कोन जॉइंट वास्कुलर बंडल्स के तीन टाइप्स से, कोलैटरल, बायकोलैटरल एंड कॉन्सेंट्रिक. कोलैटरल वास्कुलर बंडल्स जो है इसमें दो प्रकार के बंडल्स हमने पढ़े हैं. याद है किसी को कोलैटरल वास्कुलर बंडल में कौन कौन से दो टाइप्स है? ओपन कोलैटरल एंड क्लोज कोलैटरल. ओपन कोलैटरल एंड क्लोज कोलैटरल. देन बायकोलैटरल बंडल्स, देन कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक में दो दो प्रकार हमने पढ़े थे. प्लांट टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. अब एक वीडियो है आपके लिए, इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से सुनना है. ओके, अगर वीडियो स्टार्ट नहीं होता है तो मुझे फिर से इसे इस टाटा क्लास को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें कुछ समय जाएगा. डोंट लीव द क्लास बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी ऑल दिस पिक्चर्स इन विजुअलाइज मैनर. ओके, जस्ट वेट. टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स. आवाज आ रही वीडियो की सबको? ओके, यस सर. द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज. दीज टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम्स, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, डर्मल, वैस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यू. डोंट कंफ्यूज अबाउट द डर्मल टिश्यूज
इपिडर्मल टिश्यू जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, सिंगल सेल्ड क्लोजली पैक्ड लेयर फाउंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द प्लांट, मेकिंग इट द आउटर मोस्ट लेयर. The epidermis on the leaves and stem secretes a waxy cutin, preventing the evaporation of water from the plant. This layer also holds several guard cells, specialized cells that both guard the minute opening known as the stomata and facilitate gaseous exchange. As plants grow into trees, the epidermis will be replaced by another dermal tissue, the periderm. ओके अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होने के बाद जो है इसमें वुड तैयार होता है, उसके बाद जो इपिडर्मल टिश्यू जो है इसका दूसरे टिश्यू में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे पेरीडर्म है, मेड्यूलरी लेज है, कॉर्टेक्स है, जो कि हमारे वुड में प्रेजेंट होते हैं। Which is much more commonly known as bark. The periderm is composed of multi-layered, non-living cells known as cork cells, or sometimes as phloem. तो एक ही है पेरिडर्म, दैट इज पेरिडर्म क्यों कहा है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे पेरिडर्म कहा है, इसे ही हम बार्क कहते हैं, यानी कि झाड़ाची साल। देन दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कॉर्क सेल और फेलम। इसमें जो सेल्स है उसे क्या कहते हैं, कॉर्क सेल और फेलम। A second plant tissue system is the ground tissue. If we were to look at the cross section of a stem, we would be able to see colenchyma, sclerenchyma, and parenchyma cells. The layer of parenchyma synthesizes and stores organic materials. And in the leaves, the parenchyma tissue controls photosynthesis. Colenchyma and sclerenchyma tissues impart support to the plant. The innermost system is the vascular tissue system. It consists of vascular bundles, which in turn consists of both xylem and phloem vessels. Xylem carries both water and dissolved minerals from the roots through the stem and to all parts of the plant. In addition, it also provides support. Phloem conducts substances such as sugar from the leaves to other areas of the plant. Summary: plants have three distinct tissue systems, dermal, ground, and vascular. The dermal tissue system is composed of epidermis and periderm. The ground tissue system is made of colenchyma, sclerenchyma, and parenchyma cells. The vascular tissue system is made of xylem and phloem vessels. Okay, most of the things will be clear from this video. There are some terminologies. डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम बनती है इपिडर्मल टिश्यू से और पेरिडर्म से, पेरिडर्म इपिडर्म से बनता है जो वुड में बाद में इसमें सेल डेड हो जाते हैं तो सेम पेरिडर्म कहते हैं। द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक इपिडर्मल सेल्स एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट। अब मुझे बतायो आप लोग कि इपिडर्मल टिश्यू जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, विच पार्ट्स कंपोज द इपिडर्मल टिश्यूज। क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर्स। क्यूटीन, क्यूटीन यानी कि क्यूटिकल, ये वैक्सी लेयर होता है जिसकी वजह से इट रेजिस्ट द वाटर, बारिश में भी पान भीगते नहीं है, और जब कड़ी धूप होती है तो उस धूप से ही प्लांट के लीव्स का प्रोटेक्शन इस क्यूटिकल की वजह से होती है, नहीं तो इस कड़ी धूप में क्या हो जाते हैं, पान की लीव्स ये सूख जाएंगे। लेकिन इट कैन रिप्लेस द सनलाइट्स, मोस्ट ऑफ द सनलाइट्स फॉल ऑन इट। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, इट आर द माइन्यूट ओपनिंग इन द लूट्स
स्टेम में भी होते हैं एंड इट हेल्प्स द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. ग्राउंड टिश्यूज, दीज आर द टिश्यूज अदर देन इपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू. वास्कुलर टिश्यू और इपिडर्मल टिश्यूज को छोड़ के बाकी सभी टिश्यूज जो है ये है वास्कुलर टिश्यू. यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये सभी वास्कुलर ग्राउंड टिश्यू का है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा अलॉन्ग विथ कोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा. वास्कुलर बंडल्स जो है जो कि बनते हैं जाइलम और फ्लोएम से. जाइलम किसे कहते हैं? दीज आर द सपोर्टिव स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो कंडक्ट द वाटर इन द प्लांट. फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड मटेरियल एंड पेरिडर्म. पेरिडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वुड दैट इज कॉल्ड एज पेरिडर्म विच इज द मॉडिफाइड इपिडर्मिस इन विच द सेल्स आर डेड एंड दे आर सेवलर सेवरल लेयर्स. इसे हम इपिडर्मिस क्यों नहीं कहते? क्योंकि इपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होता है, लेकिन पेरिडर्म में एक से ज्यादा लेयर होते हैं, उसमें सेल भी डेड होते हैं जिसे बार्क भी कहा जाता है. और पेरिडर्म के जो सेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्क और हिलम. अब इसमें भी रिवीजन है आप लोगों के लिए जिससे आज जो है ये पूरा पार्ट आपका क्लियर ही हो जाएगा. डर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि इपिडर्मस टिश्यू सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ इपिडर्मिस पेरिडर्म एंड स्टोमेटा. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें इपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है. इट सीक्रेट्स द क्यूटिन दैट इज द क्यूटिकल दैट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द वाटर वाटर रिपेलेंट इंटेंस सनलाइट. पेरिडर्म जो है इट इज द कंपोज ऑफ कॉर्क सेल और फेलम बोथ आर द डेड सेल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बार्क. स्टोमेटा जो है वो इपिडर्मिस में होता है, क्यूटिकल लेयर में स्टोमेटा यूजली प्रेजेंट होता है और इट इज मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स एंड हेल्प्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दूसरे टाइप्स के टिश्यूज है ग्राउंड टिश्यूज, इपिडर्मल टिश्यूज और वास्कुलर टिश्यूज को छोड़ के बाकी सभी जो है इसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू. ये बनता है पैरेन्काइमा स्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यूज से. इसमें पैरेन्काइमा क्या करते हैं? पैरेन्काइमा का एक टाइप है क्लोरेन कायमा विच कैन कंट्रोल्स द फोटोसिंथेसिस इन लूज. एंड पैरेन कायमा का एक टाइप है स्टोरेज पैरेन कायमा जिसे हम सिंपल पैरेन कायमा भी कहते हैं. इट स्टोर द फूड मटेरियल. देन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो बनती है जाइलम और फ्लोएम से. जाइलम का फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट्स. दे आर मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल सीव ट्यूब सेल कैंपेनियन सेल्स फ्लोयम पैरेन्काइमा एंड फ्लोयम फाइबर्स. वास्कुलर टिश्यू सिस्टम्स में दूसरे टिश्यू जो है वो है फ्लोयम विच कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट एंड दे आर मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल टिश्यूज और सेल्स. इसमें क्या होते हैं? फ्लोयम फाइबर, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रकीट्स एंड जाइलम वेसल्स. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको हिस्सा लेना है. सपोज दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी एंड दिस पार्ट इज सी. तो ए पार्ट जो है यहाँ पे लेबल कौन सा होना चाहिए? विच लेबल शुड बी हियर? डर्मल टिश्यू वेरी गुड, दीज आर द डर्मल टिश्यूज, एक्सलेंट इपिडर्मिस, पेरिडर्म, स्टोमेटा, हेयर्स एंड क्यूटिकल. ये है डर्मल टिश्यूज के ऊपर. ग्राउंड टिश्यूज कहाँ पे होना चाहिए? बी में होना चाहिए या सी में होना चाहिए? सी सी में होना चाहिए. वेरी गुड. एक्सलेंट ग्राउंड टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं बताइए मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड टिश्यू एंड विच सेल्स ऑफ दे कंपोज्ड ऑफ? सिंपल परमानेंट टिश्यू से बनी हाँ, दे आर मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ओके, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से है बताओ मुझे. विच आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज? पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा यस, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. और यहाँ पे क्या लेबल होना चाहिए? वास्कुलर टिश्यू जो बचा. वास्कुलर टिश्यूज जो है वास्कुलर बंडल्स से बनते हैं. ओके,
और वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम इसमें होता है। अब हमारा टर्न है क्वेश्चन और आंसर्स का। अब देखो बच्चों, एक क्लास थोड़ा एक्सटेंड भी होगा हमारा, क्योंकि निकिता मैडम हैज सम इशू एंड सी इज नॉट एबल टू कनेक्ट टुडे, देयरफॉर आई विल कंटिन्यू दिस क्लास अप टू 9:30। तो 9:30 तक हमारा क्लास चलेगा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जिसके आंसर्स आपको देने हैं, जितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं उतने क्वेश्चंस के आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ब्लैंक सेल्स आर द स्पेशियल इपिडर्मल सेल दैट सराउंड्स द गार्ड सेल। कौन से सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स को कवर करते हैं, गार्ड सेल के बाहर होते हैं? नो वन कैन नो, दीज आर द सब्सिडरी सेल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल क्या होते हैं? हमारा जो गार्ड सेल होता है स्टोमेटा के अंदर, उसके बाहर जो इपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं इसे कहते हैं सब्सिडरी सेल, या दूसरा नाम है एक्सेसरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसके मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है आपको फाइंड आउट करना है। दे आर लॉन्ग टैपरिंग सेल्स विद परफोरेटेड सेल वॉल। ये लंबे होते हैं, टैपरिंग होते हैं इस तरह से, और इसमें जो सेल वॉल्स है इसको छेद होते हैं। द परफोरेशन एनेबल द प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन बिटवीन द सेल। तो प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन क्या होता है? प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन इट इज द प्लाज्मोलाइसिस, जो हमने पढ़ा था। दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स इन इट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन। जो सेल वॉल करता है, सेल वॉल के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद में से कुछ मटेरियल जो है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता है। तो अंदर से बाहर कैसे जाता है या बाहर से अंदर? जहां पे जिस मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो दे आर ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज। तो ये सेल्स है वो स्टोरेज में भी काम करता है और इस तरह से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। फ्लोएम फाइबर्स, कैंपेनियन सेल्स, यू ट्यूब एलिमेंट्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तो पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे क्योंकि स्टोरेज है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल जो है ये थीन वॉल्ड होते हैं और जिसमें फूड मटेरियल भी स्टोर्ड होता है और कुछ मटेरियल उसमें से अंदर और बाहर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। इसमें से कौन सा भाग ये जो है ये ग्राउंड टिश्यू में नहीं होता है? वास्कुलर बंडल वेरी गुड, वास्कुलर बंडल्स आर अब्सेंट इन ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू का अर्थ ही क्या है? द टिश्यूज अदर देन वास्कुलर टिश्यू एंड इपिडर्मल टिश्यू। इपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू, इन दोनों टिश्यू को छोड़ के जो टिश्यूज है इसे कहते हैं हम ग्राउंड टिश्यू। लेकिन ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन ब्लैंक द रेडियल वास्कुलर बंडल्स ऑकर। रेडियल वास्कुलर बंडल्स किसमें होते हैं? स्टेम्स में होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में होते हैं, डाइकॉट स्टेम में, या रूट्स में। रेडियल वास्कुलर बंडल, दो प्रकार के वास्कुलर बंडल हमने पढ़े, कोन ज्वाइंट और रेडियल। तो रेडियल वास्कुलर बंडल्स जो है स्पेशली प्रेजेंट इन द रूट्स, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली प्रेजेंट होता है और एक रेडियस में नहीं होता। द प्लांट टिश्यू स्लेरेनकाइमा, द वॉल इज, स्लेरेनकाइमा के जो वॉल्स होते हैं इसमें एक मटेरियल होता है सीमेंट लाइक, तो लिग्निफाइड, सेबेराइड, पेक्टिनाइज्ड और क्यूटिनाइज्ड। लिग्निफाइड जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, इसके पहले जो आपको मैंने स्टडी मटेरियल भेजा था इसमें इसका आंसर है, क्योंकि स्लेरेनकाइमा जो है ये हार्ड टिश्यूज होते हैं जिसका सेल वॉल बहुत ही थीक होता है और इसमें सेल्यूलोज से ज्यादा ये सीमेंट मटेरियल होता है जिसे कहते हैं लिग्निफाइड, लाइक लिग्निन।
लिग्निन उसमें होता है, इसलिए उसे कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। प्लांट इन लीफ स्टाल्क फॉर्म्स अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड। प्लांट का जो लीफ स्टाल्क होता है इसमें जो है स्ट्रैंड्स जो बनते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रैंड बनते हैं, वो किससे बनते हैं? स्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और प्रोजेनकाइमा। कोलेनकाइमा, देखो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये कोलेनकाइमा की वजह से ही होती है। अब मेरे पीछे जो पेड़ है आप देख पा रहे, नारियल का पेड़ हिलता है जिसमें उसके ब्रांचेस बेंड होते हैं, वो किसकी वजह से? कोलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि कोलेनकाइमा प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, अदरवाइज वो बेंड हो जाएंगे। उसका फाइबर स्ट्रांग होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए इन ब्लैंक द ल्यूज अनडिफरेंशिएटेड, ये हमने पढ़ा नहीं है। इन प्लांट द पीट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। पीट मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? पीट इज द टाइप ऑफ टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्टेम, स्टेम के सेंटर में। स्टेम के बाहर में तो हमने देखा है पेरिडर्म होता है, लेकिन इसके सेंट्रल पार्ट होता है। कोई भी स्टेम है, बड़ा खोड़ ज्यादा अपन मन तो मोटो खोड़ जे, जैसा सेंट्रल पार्ट जो है, इस सेंट्रल पार्ट स्पॉन्जी, इसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, जिसे कहते हैं पीट, पीट मेम्ब्रेन। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी वॉल। ये क्वेश्चन भी हमारे रिलेटेड है। अब बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल, इसके बारे में हमने पढ़ा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो बाहर के भी लेता है ये सिस्टम जो हमने पढ़ा नहीं। बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल इज वन इन विच द जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस विद फ्लोएम टूवर्ड्स। तो फ्लोएम बाहर की तरफ होता है बायकोलेटरल, तो इसमें आउटर साइड ऑफ जाइलम, इनर साइड ऑफ जाइलम, अराउंड द जाइलम, आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल। याद आ रहा है वास्कुलर बंडल जिसमें हमने पढ़ा था? कोलेटरल वास्कुलर बंडल, बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल। तो कोलेटरल और बायकोलेटरल में क्या फर्क है? इन कोलेटरल वास्कुलर बंडल द जाइलम इज प्रेजेंट ऑन फ्लोएम आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और कोलेटरल में, बायकोलेटरल में फ्लोएम अंदर की तरह प्रेजेंट होता है। तो अब बताइए मुझे आंसर क्या होगा? आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, तो इसका ये आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। तो फ्लोएम इनर साइड होता है और जाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ होता है, इसे कहते हैं हम बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल। द मैक्सिमम एक्टिविटीज ऑफ कैम्बियम इज ड्यूरिंग। कैम्बियम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा कब होगी? कैम्बियम क्या होता है? ये एक्टिव सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसमें सेल डिवीजन होके नए सेल बनते हैं, एंड कैम्बियम इज स्पेशली प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा कब कब होगी? ये लॉजिकल क्वेश्चन है। समर, इसकी एक्टिविटी कब होती है? समर में ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, समर सीजन में द प्लांट इट डज नॉट रिक्वायर गेट्स द मोर वाटर, तो वाटर के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, और जिसकी वजह से कैम्बियम जो है वो नए सेल्स से यहाँ पे बनाते हैं, जिसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेल की संख्या बढ़ती है। वास्कुलर बंडल्स आर अब्सेंट इन, वास्कुलर बंडल्स इसमें से किसमें अब्सेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड ऑल द अबोव। टेरिडोफाइट्स, वास्कुलर बंडल्स आर अब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। जाइलम और फ्लोएम तो टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। क्लास 9th में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट। थैलोफाइटा जो है जिसमें वास्कुलर सिस्टम पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। ब्रायोफाइटा में भी वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है,
जो टेरिडोफाइटा है इसमें झाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं लेकिन वास्कुलर बंडल्स उससे नहीं बनते। वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट ओनली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। द एंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी झाइलम, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है लेकिन मैं लेता हूं इसका आंसर, इनसाइड जस्ट इनसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। इपिडर्मल आउटग्रोथ ऑफ द प्लांट आर नोन एज, इपिडर्मिस से जो बाहर की तरफ हिस्सा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम, स्टोमेटा, पिकल्स और स्पाइन। ये आंसर तो आप दे सकते हैं, इसे हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकोम, क्योंकि इपिडर्मिस के हिस्से क्या क्या होते हैं, क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा होता है और हेयर्स होता है। तो इपिडर्मल हेयर्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? रूट्स में जो इपिडर्मिस से जो हेयर्स बाहर निकलते हैं उसे रूट हेयर कहते हैं, और स्टेम में जो इपिडर्मिस से हेयर्स बाहर निकलते हैं इसे हम ट्राइकोम कहते हैं। तो इपिडर्मल आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम कहेंगे। स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग होती है क्यूटिकल में। इन ट्रीज ब्लैंक आर द लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज कौन से होंगे ट्रीज के अंदर? फ्लोएम, पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पोलेन्काइमा कौन से लिविंग टिश्यूज होते हैं? पोलेन्काइमा इज द लिविंग टिश्यूज, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन प्लांट द कॉर्टेक्स इज फॉर्म ऑफ, कॉर्टेक्स किससे बनता है? ग्राउंड मेरिस्टम्स। ये नहीं हुआ है हमारा क्वेश्चन। हाँ, द बायकोलैटरल ओपन वास्कुलर बंडल्स ऑकर इन, बायकोलैटरल ओपन वास्कुलर बंडल्स किसमें होता है? कोलैटरल और बायकोलैटरल, इसमें फर्क देखिए। कोलैटरल वास्कुलर बंडल्स जो है इसमें जाइलम फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और बायकोलैटरल में जाइलम बाहर की तरफ होता है। इट इज प्रेजेंट इन कुकुरबिटा स्टेम। ये भी हमने नहीं लिया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ये सिस्टम अपने आप लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द कोन ज्वाइंट कोलैटरल ओपन बंडल, कोन ज्वाइंट कोलैटरल ओपन बंडल। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन झाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम इज प्रेजेंट एंड हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। झाइलम इज प्लेस इनसाइड एंड फ्लोएम इज प्लेस इनसाइड ऑफ द झाइलम। कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनर कैम्बियम एंड आउटर कैम्बियम। तो कौन ज्वाइंट कोलैटरल ओपन बंडल्स, ओपन और क्लोज बंडल में क्या फर्क है? ओपन बंडल्स में जो है हमारा कैम्बियम प्रेजेंट होता है और क्लोज बंडल में कैम्बियम अब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा, द कैम्बियम इज प्रेजेंट इन साइलम एंड फ्लोएम एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग फर्दर, क्योंकि कैम्बियम के सेल जो है इसमें ग्रोथ होती है समर सीजन में। इन ब्लैंक द कोलेन कायमा ऑकर्स, कोलेन कायमा किसमें होगा? हर्बेसियस, उडी, क्लाइंबर स्टेम और वाटर प्लांट। कोलेन कायमा क्लाइंबिंग स्टेम, क्लाइंबिंग स्टेम में कोलेन कायमा ज्यादा होगा क्योंकि कोलेन कायमा प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, और जो क्लाइंबिंग स्टेम है जिसको ऊपर की तरफ चढ़ना है जिसमें वाइन्स वेली ज्यादा मतलब। ब्लैंक हैविंग अ स्पेशियल फीचर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, कौन से सेल जो है, ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है। हाँ, द ब्लैंक द मिजार्च झाइलम, मिजार्च झाइलम किसमें ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। मिजार्च झाइलम के बारे में हमने पढ़ा है, मिजार्च एंड एंडार्च, एंडार्च एक्सार्च जो है ये फर्न्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? फर्न्स में। इन द प्लांट ब्लैंक हैबिटेट लूज प्रोसेसेस थिक क्यूटिकल, इसका भी लॉजिकल आंसर है। थिक क्यूटिकल कौन से प्लांट्स में होगा? जो प्लांट्स वार्म गर्म जगह पे बढ़ते हैं, ड्राई, कूल एंड वेट। ड्राई ड्राई इज द राइट आंसर। थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन द कौन सा प्लांट है जिसमें जो द प्लांट्स विच ग्रोज इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो होते हैं
उस प्लांट्स को वाटर कैरसिटी होती है, और जिसकी वजह से वाटर लॉस ना हो, इसकी वजह से क्यूटिकल लेयर ठीक होता है। क्यूटिकल लेयर ठीक होने की वजह से प्लांट के अंदर जो पानी है वो बाहर नहीं आता है। एग्जाम्पल बता सकता है कोई? एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट? कैक्टस। कैक्टस। राइट आंसर। द ब्लैंक वास्कुलर बंडल हैव कैम्बियम। कैम्बियम किस वास्कुलर बंडल में होते हैं, वो ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन वास्कुलर बंडल्स, दे कंटेन्स द कैम्बियम। ओके, और दो क्वेश्चंस लेंगे हम, और उसके बाद मैं क्लास को स्टॉप करने वाला हूँ, बिकॉज सम स्टूडेंट्स दे हैव लेफ्ट द क्लास। दे नो ब्लैंक इज द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू। इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। मोस्ट कॉमन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि जब हमने आपको वीडियो भी दिखाया था मैंने, उसमें जो है ग्राउंड टिश्यूज के बारे में जब एक्सप्लेनेशन किया था तो पूरे टिश्यूज बताए थे, तो उसमें पैरेन्काइमा जो है वो सबसे ज्यादा होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी रूट इज नोन एज। कोई भी रूट्स की जो बाहर की लेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे? इपिडर्मिस, क्योंकि सरफेस टिश्यू है ना, सरफेस टिश्यू। प्लांट के पूरे हिस्से जो है रूट से लेके स्टेम तक, इसमें जो टिश्यू है बाहर की तरफ, इसे हम इपिडर्मिस कहते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास।